स्वागत है आपका कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को समय समय पे कवर करेंगे तो आप और डिटेल कोर्सेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम एक नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप एक राइट एजुकेशन एक राइट टाइम पे अचीव कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्या देखेंगे। आपने इनकम टैक्स के हम अभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में आज हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस हम कंप्लीट इसमें नहीं कवर करेंगे लेकिन आज के इस वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कुछ जो बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो टाइप्स हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में आइडिया देंगे और भी डिटेल में कवर करेंगे लाइक इंडिविजुअल के बारे में HUF AOP BOI इन सब के बारे में हम एक डिफरेंट वीडियोस में टाइम टू टाइम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, इनकम टैक्स में हर चीज़ का कैलकुलेशन के लिए हमें जो है रेजिडेंशियल स्टेटस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये तीन पार्ट में क्लासीफाई होता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको हम स्पेसिफाई करते हैं RNOR। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है नॉन रेसिडेंट। इन तीन ही कैटेगरी में जो है रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स जो है डिवाइड होता है। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो फैक्ट है, एक तो पहले ये फैक्ट ही है कि तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, दूसरा बड़ा फैक्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर किसी भी SSC का इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखना है कि उनके ऊपर टैक्स लगना है कि नहीं लगना है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही इम्पैक्ट करता है और रेसिडेंशियल स्टेटस को हमें अंडर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। ठीक है, थर्ड फैक्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो SSC है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर में चेक होगा, ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC मस्ट बी असर्टेन्ड, इट मस्ट बी असर्टेन्ड विथ रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर, हर साल। ओके, ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। डिटेल में डिस्कस करेंगे स्कोप क्या होती है टोटल इनकम की, अभी बस एक बेसिक फैक्ट के आपके नॉलेज में होना चाहिए। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी स्कोप जो है, ठीक है, किस चीज़ की टैक्स लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, कब लगेगी, वो भी स्कोप भी टोटल इनकम की रेजिडेंशियल स्टेटस पे निर्भर करती है। ठीक है, पांचवा इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि हर व्यक्ति के लिए एवरी पर्सन के लिए जो है और हर प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली चेक होगा रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली चेक होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली। ओके, तो पर्सन की डिफिनेशन में अगर कोई डाउट है तो एक ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप प्लीज़ वहाँ से जा करके उसको समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो बनाया दैट मीन्स उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट फंसते हैं, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाया गया उसके लिए, तो आप प्लीज़ उसको देख लेंगे। ठीक है, सो रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली। ओके, जब मैं रीडिंग भी कुछ डिफरेंट वे में करती हूँ ना टैक्स और लॉ के मैटर में, तो आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक तो मैंने ये ऑलरेडी बोल दिया कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, लेकिन टोटल इनकम के बेसिस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सोर्स है, वन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें अगर रेसिडेंट आ गया तो सारे सोर्सेज में रेसिडेंट माना जाएगा, ऑल सोर्सेज विल बी कवर इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, सो रेसिडेंट फॉर वन सोर्स
इस रेसिडेंट फॉर ऑल द सोर्सेज. ठीक है, तो सपोज अगर रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम, देन ही और शी शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ हिज इनकम और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. यानी अगर एक सोर्स में अगर वो रेसिडेंट दिख जाता है तो हर सोर्स में उसे रेजिडेंशियल स्टेटस मान लिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है सिटीजनशिप. सिटीजनशिप जो है वो दूसरी चीज़ है. ठीक है, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दूसरी चीज़ है. ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री आर सेपरेट कॉन्सेप्ट. अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट फॉर मोर कंट्रीज. ओके, आई कैन बी रेसिडेंट बट सिटीजन ओनली वन कंट्री. सो दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. यानी एक व्यक्ति जो है वो सिटीजन केवल एक ही का हो सकता है, बट रेसिडेंट वो कई कंट्रीज का हो सकता है. ठीक है, अ पर्सन मे बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर. द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पज हैव नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल. ओके, आई होप आपको ये बेसिक जो कुछ आज मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो क्लियर हो गए हो. वीडियो को ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूँगी ताकि कुछ स्टूडेंट्स को ये एक ही बार में मेमोराइज हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं तो उनको फिर डिफ़िकल्टी होती है कि पूरा इतना वीडियो देखे और उसके बाद वो आगे बढ़े. तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे. ठीक है, सो क्विक रिकॉल कराते हैं, फटाफट देखते हैं. हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उनको तीन तरीके से देखा जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट. एक ROR, एक NOR, एक नॉन रेजिडेंट. दूसरा इंसिडेंस का टैक्स जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चेक किया जाएगा जो कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर आता है. दूसरा हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा. चौथा स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है. पांचवा, हर पर्सन को हर साल इंडिपेंडेंटली अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा. छठा, एक सोर्स ऑफ इनकम में रेजिडेंशियल स्टेटस है तो बाकी सोर्सेस में भी रेजिडेंशियल स्टेटस मान लिया जाएगा. और सातवां और आखिरी, सिटीजनशिप का कोई रिलेशन नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस से. अगर एक पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस दो या तीन कंट्री में भी हो सकता है बट वो सिटीजन केवल एक ही कंट्री का हो सकता है. आई होप आज का ये जो फैक्ट है आपको क्लियर हो गया. इनकेस कोई भी डाउट रह जाता है या कोई पॉइंट आपको लगता है कि मैं मिस कर गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देंगे. उन सजेशंस को हम कंसिडर करेंगे, अगर वो कंसिडर करने लायक होंगे तो हम उसको फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे. ठीक है, प्लीज़ इस वीडियोस को, इस चैनल को शेयर करें और हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा. और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे साथ जुड़े रहें एक क्वालिटी नॉलेज के लिए. बिकॉज एजुकेशन इज एवरी वन राइट, शिक्षा हर किसी का अधिकार है जैसे बेसिक नीड फूड. ओके, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करेंगे. जय हिंद, जय भारत.